हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस ज्ञान ग्रेविटी चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा थर्मोडायनेमिक्स के चारों लाओ के बारे में। जो चार नियम हैं उसको मैं एकदम आसान से भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जिससे आप समझ जाएँ। जीरोथ लाओ, फर्स्ट लाओ, सेकेंड लाओ और थर्ड लाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स से जीरोथ लॉ क्या है। जीरोथ लॉ देखिए, जीरोथ लॉ उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, इफ़ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली विथ अ थर्ड सिस्टम दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। देखिए, जो जीरोथ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो ऊष्मा साम्यावस्था की उसमें साम्यावस्था को समझाती है। मतलब इसमें यह बोला जाता है कि अगर कोई भी दो सिस्टम, मतलब दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और इसी के पास कोई तीसरी बॉडी रख दिया जाए तो तीनों क्या हो जाते हैं, तीनों की टेम्परेचर बराबर हो जाती है। ये कहने का मतलब है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, अगर मान लो ए और बी दो कप के प्याले एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिए जाते हैं, छोटे से बॉक्स में, और इसे एक ए और बी की टेम्परेचर कितनी है, 15 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ए और बी की डिग्री 15 सेल्सियस, ये छोटे से बॉक्स में बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ हवा पास नहीं हो सकती। अब क्या करते हैं, जो एक और नई चाय की कॉफ़ी, चाय की प्याली जिसकी टेम्परेचर है 30 डिग्री इस बॉक्स के अंदर रख देते हैं। क्या करते हैं, एक और चाय की कप इस बॉक्स के अंदर रख देते हैं जहाँ गैस पास नहीं हो सकती। अब देखते हैं हम लोग क्या पाते हैं, कुछ ही देर में जो ए और बी की टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस थी वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ये भी 20 हो जाएगी, और जो ये 30 थी वो ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, इससे क्या समझ में आता है कि थोड़ी देर में हम देखेंगे जो बॉक्स के अंदर तीनों कप में जो चाय की प्याली थी वो तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाएगा। मतलब ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी को कहते हैं जीरोथ लॉ, मतलब दे मस्ट बी थर्मल इक्विलिब्रियम। ये क्या दर्शाती है, मोशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब ताप की गति। यह नियम बताता है ताप की गति, ताप हमेशा, ताप की गति क्या होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। यह है जीरोथ लॉ, ठीक है। देखिए ए बी और सी तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, यह है जीरोथ लॉ। चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम। लॉ ऑफ, इसे एनर्जी कन्वर्जेशन नियम भी कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम। संरक्षण मतलब सुरक्षा, जो हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ऊर्जा हैं वो सुरक्षित है, नहीं कम है नहीं ज़्यादा है। या देखिए इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक तरह से दूसरे तरह की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम लोग इंजन के बारे में देखते हैं। इंजन क्या होता है, इंजन में पेट्रोल जलाई जाती है, ठीक है। इंजन में क्या होता है, जब पेट्रोल जलती है अंदर से तो पेट्रोल में जो रासायनिक ऊर्जा रहती है, वो जलने से कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, वो जलने से उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जो पेट्रोल होती है वो नष्ट नहीं होती, पेट्रोल का रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें ऊर्जा में। ऐसे हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोयला समझ लीजिए, आप कोयला को जलाते हैं तो कोयला का रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोयला के जलाने से उष्मा नहीं मिलती, उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ है जो जलने पे जो एक ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ना हो तो आप बता सकते हैं। इसका फार्मूला भी है, क्यू इक्वल टू डेल्टी यू अपन डब्लू। इसका मतलब है क्यू होता है हीट, डेल्टी होता है इंटरनल एनर्जी, डब्लू होता है वर्क, ठीक है। ये हो गया एनर्जी की कंजर्वेशन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के बारे में। इसके दो कथन हैं। पहला कथन केल्विन प्लॉग ने दिया था, दूसरा क्लॉसियस ने दिया था। तो पहले सबसे पहले देते हैं केल्विन प्लॉग के बारे में क्या है यह कथन। देखिए स्टेटमेंट देख लेते हैं केल्विन का, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन विच गिव 100% इफिशियंसी, देयर आर नो अदर इफेक्ट एक्सेप्ट वर्क। इसका कहने का मतलब है,
ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो पूरे हीट को पूरे ऊर्जा में बदल दे, पूरे हीट को पूरे ऊर्जा में, और क्या है साइकिलिंग प्रोसेस में होना चाहिए। देखिए कि अभी हम इंजन की बात कर रहे थे, इंजन में क्या होता है पेट्रोल यूज़ हो जाती है, पेट्रोल जल के क्या करती है उसमें ऊर्जा बनाती है, तो पेट्रोल जलती है तो पूरी उसमें ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती, पेट्रोल कुछ भाग क्या होता है उसका वेस्ट होता है, जल के क्या धुआं निकलता है उसमें, धुआं निकलता है। तो यही बोल रहे हैं कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो पूरा पूरे हीट को क्या करे वर्क में कन्वर्ट कर दे, जितने भी उसमें हीट निकलती है उसको पूरे वर्क में लगा दे, तो पूरे वर्क में नहीं लगता क्या होता है थोड़ा सा इफेक्ट आ ही जाता है। ऐसा हो गया जैसे कि हम पानी गर्म करते हैं तो जो कोयला जलाएंगे तो कोयला के जलने से पूरे कोयला उसमें ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, उसमें भी वेस्ट बचता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसा कुछ इंजन नहीं बना सकते जो पूरे वर्क में पूरे हीट को क्या करे पूरे वर्क में कन्वर्ट कर सके, ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है। तो आप लोग सिर्फ यही समझिए कि साइकिलिंग प्रोसेस में ऐसा इंजन बनाना संभव है जो हीट को पूरे वर्क में बदल दे। इसका दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट ऑन ए साइकिल ठीक एंड प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी। देखिए क्या बोलते हैं, ऊष्मा शब्द गर्म से ठंडी बॉडी की ओर बिना किसी बाहरी सहायता से बहती है, किंतु ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की ओर बिना किसी बाहर सहायता के बिना नहीं बह सकती। देखिए उसमें सदैव गर्म से ठंडी बॉडी की ओर बहती है, जैसे कि अभी हम लोग चाय के प्याले के बारे में बताए थे, गर्म चाय की प्याले ठंडी की ओर बह गई, उसमें कोई बाहरी सहायता नहीं लगी, लेकिन ऐसा किसी नहीं हो सकता कि ठंडी से गर्म की ओर बहे, मतलब जहाँ एक गर्म चाय के कप है और ठंडी चाय कप है, तो ठंडी चाय की कप और ठंडी हो जाए और गर्म चाय की कप और अपने आप गर्म हो जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है बिना किसी बाहरी सहायता से। इसका कहने का मतलब यही है कि ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की ओर बिना किसी बाहरी सहायता से नहीं बच सकती, ये कौन बोलता है क्लॉसियस स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल, अगर ये इम्पॉसिबल है बिना किसी बाहरी सहायता, तो समझ गए ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की ओर कभी भी ताप क्या होती है नहीं बहती अपने आप जब तक उसे कोई बाहरी सहायता न लगाई जाए। यह हो गया सेकेंड लॉ। देखते हैं थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एंट्रॉपी, इसे एंट्रॉपी का नियम भी कहते हैं। अब थर्ड लॉ को जानने के लिए हमें एंट्रॉपी के बारे में जानना पड़ेगा, एंट्रॉपी के जानने के लिए इसमें 5 मिनट और लग जाएंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा दोस्तों। एंट्रॉपी कितना है, ब्रह्मांड की पूरी एंट्रॉपी क्या होती है शून्य होती है, जीरो होती है। एनर्जी एंट्रॉपी के पहले एंट्रॉपी के विषय में जानेंगे, तो अगली वीडियो में देखते हैं एंट्रॉपी क्या है। इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।